हेलो दोस्तों, आज हम डिजाइनिंग वाला आस्तीन कटिंग करने के लिए सीखेंगे। लेंथ है हमारा 6.5 इंची। 6.5 इंची पे एक निशान लगा देते हैं और नीचे जो हमको गिराना है ये हम 3.25 पे गिराएंगे। लूजिंग है हमारा 12 इंची। आर्मोल है हमारा 17.5 इंची, समझ लो 17 इंची आर्मोल है। इसको हम कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे। ये हमारा हो गया, अब इसको हम कट करेंगे। इसको इस तरह से मार्किंग डालेंगे, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। उसके बाद एक निशान इस तरह से डालेंगे, एक निशान यहाँ से डालेंगे, एक निशान यहाँ से डालेंगे, 1.25 इंची 1.25 इंची पे, ठीक है। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। उसके हम मेन पीस को कटिंग करेंगे। इसको कुछ इस तरह से रख के, ठीक है, ये हमारा बैठ गया। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारा प्लेट्स वाला तो कटिंग क्लियर हो गया, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से रख के ये हमारा कटिंग क्लियर हो गया। अब हम कटिंग करना है इसको, हमेशा क्रॉस में उरे में ही कट करना है। ये डबल टेंशन से हम ये लगा रहे हैं, देखिए कैसा लग जा रहे हैं। फर्स्ट इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। इसको थोड़ा नॉक से डाल दो। मैन जो हम बता रहे थे ये चीज, ये आप देखिए किस तरह से बैठाएंगे। ये पल्ला को फर्स्ट अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह फर्स्ट इसको भी हम सिलाई लगा देते हैं। ये हमारा कटिंग हो गया रेडी। अब इसको यहाँ से यहाँ पे मिलाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे मिलाएंगे। ये हमारा पेपर हो गया रेडी। अब इस पर हम सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो है कुछ इस तरह से ही बैठा देंगे। थोड़ा टेंशन को इस तरफ कर लो, ठीक है। देखिए बिल्कुल जो हम लगाएंगे ये उल्टा साइड से लगाएंगे। फर्स्ट इस तरह से उल्टा पे हम लगाएंगे। देखिए
उसके बाद ये हमारा उल्टा तरफ का हुआ, डायरेक्ट इधर इस तरह से हम लगा देंगे। देखिए ये बिल्कुल एकदम फिनिशिंग में भी दिखता और अच्छा भी दिखता, ठीक है। जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये हमारा कंप्लीट हो गया।